बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन और उनकी पत्नी एक्ट्रेस जया बच्चन सच्चे प्यार के प्रतीक हैं, जिन्होंने अपने खूबसूरत बंधन के साथ शादी में हमारा विश्वास बनाए रखा है। फिल्म एक नजर की शूटिंग के दौरान एक दूसरे के प्यार में पड़ने के बाद दोनों ने 3 जून 1973 को चट मंगनी पट शादी कर ली थी। ग्लैमर की दुनिया में किसी एक्टर का नाम उसकी किसी को स्टार के साथ जुड़ना बहुत ही नॉर्मल है और अमिताभ का भी नाम उनकी कई ऑन स्क्रीन एक्ट्रेसेस से जुड़ चुका है। जीनत अमान, स्मिता पाटिल से लेकर परवीन बाबी तक अमिताभ बच्चन का नाम उनकी कई हीरोइनों के साथ जोड़ा गया है, लेकिन एक नाम जो आज भी उनके साथ जुड़ा हुआ है वो है एक्ट्रेस रेखा का। आपने कई इंटरव्यूज में रेखा को खुद उनके प्रति अपने प्यार को स्वीकार करते हुए देखा होगा। एक थ्रोबैक इंटरव्यू में रेखा ने खुलासा किया था कि उन्होंने फिल्म मुकद्दर का सिकंदर में अमिताभ के रोमांटिक सीन्स को देखकर जया को रोते हुए देखा था। घटना के बारे में बात करते हुए रेखा ने कहा था, एक बार मैं पूरे बच्चन परिवार को प्रोजेक्शन रूम में देख रही थी कि वे फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का ट्रायल शो देखने आए थे। जया आगे की लाइन में बैठी थी और वो अमिताभ व उनके माता पिता उनके पीछे वाली लाइन में थे। वे उन्हें जया बच्चन उतनी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते थे जितना मैं देख सकती थी और हमारे लव सीन्स के दौरान मैं उनके चेहरे से आंसू बहते हुए देख सकती थी। उसी इंटरव्यू में रेखा ने यह भी बताया था कि अमिताभ बच्चन ने निर्माताओं से कहा था कि वो उनके साथ काम नहीं करेंगे। रेखा ने बताया था, एक हफ्ते बाद मुकद्दर का सिकंदर के ट्रायल शो के बाद इंडस्ट्री में हर कोई मुझसे कह रहा था कि उन्होंने अमिताभ बच्चन अपने निर्माताओं को साफ मना कर दिया है कि वो मेरे साथ काम नहीं करने जा रहे हैं।